दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 90 के दशक की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक हैं मशहूर अभिनेत्री काजोल, जिन्होंने अपने करियर में कई रोमांटिक से लेकर कॉमेडी और ड्रामा फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दी, जिन्हें देखना दर्शक काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं और उन्हें अपना भरपूर प्यार भी देते हैं, जिस वजह से इनकी वो सभी फिल्में सुपरहिट साबित होती हैं। वहीं दर्शकों के साथ साथ इनकी सभी फिल्में इनके पति मशहूर अभिनेता अजय देवगन भी देखते हैं और इनकी खूब तारीफ भी करते हैं। इसलिए तो अजय देवगन ने अपनी पत्नी की आज तक की सभी फिल्मों को देखना काफी ज्यादा पसंद किया और उन्हें कई बार देखा भी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जहाँ अभिनेत्री काजोल की सभी फिल्मों को देखना इनके पति अजय देवगन काफी पसंद करते हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ वो काजोल की 4 सुपरहिट फिल्मों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही उनका नाम सुनना चाहते हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री काजोल की उन्हीं 4 फिल्मों से रूबरू करवाएंगे कि किस वजह से देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं इनके पति अजय देवगन अपनी वाइफ की इन 4 फिल्मों को। तो आइए एक एक जानते हैं। नंबर 1, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस लिस्ट की पहली कड़ी में साल 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का नाम शुमार है, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान के साथ काजोल मुख्य किरदार में नजर आई थी, जिन्होंने अपने किरदारों को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया, जिस वजह से ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। लेकिन बता दे, शाहरुख खान और काजोल के बीच बेइंतहा प्यार और अच्छी बॉन्डिंग को देख कर काजोल के पति अजय देवगन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से वो अपने पत्नी के इस फिल्म को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ काफी ज्यादा पसंद है। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पत्नी किसी भी दूसरे के साथ इतने करीब आए। नंबर 2, फना। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2006 में आई सुपरहिट फिल्म फना का नाम शुमार है, जिसमें अभिनेता आमिर खान और काजोल ने अपने बेहतरीन किरदारों से लाखों करोड़ों दर्शकों का दिल जीता। लेकिन बावजूद इसके, काजोल की सुपरहिट फिल्म को इनके पति अजय देवगन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इस मूवी में काजोल एक अंधी लड़की के किरदार को निभाती नजर आई थी। इसलिए अजय देवगन अपनी पत्नी की इस मूवी को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी रियल लाइफ में तो दूर के बाद फिल्मों में भी अपनी पत्नी को अंधे नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने आज तक अपनी वाइफ की इस मूवी को कभी नहीं देखा है और ना ही वो इसका नाम सुनना चाहते हैं। नंबर 3, बाजीगर। इस लिस्ट की तीसरी कड़ी में साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर का नाम शुमार है, जिसमें अभिनेत्री काजोल के साथ शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी नजर आई थी, जिन्होंने अपने किरदारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्दे पर पेश किया और फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। लेकिन आपको बता दे, इस फिल्म में अजय देवगन को काजोल की एक्टिंग और लाइफ में प्रॉब्लम की वजह से बहुत ही ज्यादा रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसलिए आज तक अजय देवगन ने अपनी पत्नी की फिल्म को कभी नहीं देखा है और ना ही वो इस फिल्म को कभी देखना चाहते हैं। नंबर 4, माय नेम इज खान। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में साल 2010 में आई फिल्म माय नेम इज खान का नाम शुमार है, जिसमें शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका निभाते नजर आए थे। मगर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी और काजोल की एक्टिंग काजोल के पति अजय देवगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए तो उन्होंने आज तक अपनी पत्नी की इस फिल्म को नहीं देखा है और ना ही वो इस फिल्म का नाम सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको अजय देवगन की तरह अभिनेत्री काजोल की कौन सी फिल्म देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप हमें उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।